वो बायोसिस ब्रांड का एक जूस है, सीबकथॉर्न आपका स्ट्रेस एड जूस। का जो पर्पज़ है यूज करने का वो है कि बॉडी में स्ट्रेस को कम करने का पर्पज़ है। और इसको इसमें जो चीज़ें मिलाई गई हैं, सीबकथॉर्न, खसखस, शंखपुष्पी, ब्राह्मी और अश्वगंधा, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसमें वो चीज़ें मिलाने का पर्पज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सीबकथॉर्न जो पहला चीज़ है, इस जूस सीबकथॉर्न के बारे में मुस्लिम को आइडिया होगा कि सीबकथॉर्न में लगभग 190 से ज़्यादा बायोटिक कंपाउंड है। तो इसमें जो ओमेगा फैटी एसिड है वो ब्रेन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है 5-HTP, जो कि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाता है। सेरोटोनिन ऐसा लेवल होता है जो हमारे माइंड में, ब्रेन में एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करता है। तो जो 5-HTP जो सीबकथॉर्न में पाया जाता है वो आपका सेरोटोनिन लेवल हमारे ब्रेन में बढ़ाता है, हमारे माइंड में बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सीबकथॉर्न का पर्पज़ था जिसमें सीबकथॉर्न को मिला के यूज़ करा गया। और जो दूसरा जी चीज़ मिलाया गया, खसखस। खसखस में इसको एक तरीके से ये नर्वस सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। खसखस का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें तीसरा जो चीज़ मिला के बनाया गया, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी का इसमें देखो यूज क्या है कि शंख पुष्पी को ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। और इसका और यूज है कि ये एज ए ब्रेन टॉनिक, हाँ ये इसमें यूज करने का पर्पज़ है कि ये ब्रेन टॉनिक का भी काम करता है और हमारे इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, मतलब हमारे बुद्धि को बढ़ाता है। उसके बाद से जो चीज़ इसमें यूज करा गया वो है आपका ब्राह्मी। तो ब्राह्मी एक तरीके से ये आपके टेंशन को दूर करता है, तनाव को दूर करता है और आपके ब्रेन के वर्किंग पावर को बढ़ाता है, इसमें आपका जो ब्राह्मी का यूज है। और जो लास्ट में जो चीज़ यूज करी गई है वो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा को और जनरली उसके कई सारे फायदे हैं। तो इस जूस में यूज करने का जो अश्वगंधा का पर्पज़ है वो क्या करता है कि आपके तनाव और चिंता को दूर करता है। और अश्वगंधा के एज ए जनरल टॉनिक भी बोलते हैं। और इसका पर्पज़ जो यूज करने का है वो स्ट्रेस को रिलीज करने का है, आपका डिप्रेशन को रिलीज करने का है।